हम पूजा को ये नहीं बता सकते कि वो अडॉप्टेड है। क्यों नहीं? पूजा को तो जरूर पता होना चाहिए। सोना सिर्फ इतना जानती है कि पूजा अडॉप्टेड है, बस नथिंग एल्स। पूजा बड़ी हो गई है, सच सुनने और समझने की ताकत रखती है वो, और फिर हम सब तो हैं ना उसे संभालने के लिए। पूजा को सच पता होना चाहिए। एंड यू नो, एडॉप्टेड बच्चों को अगर बचपन में ही सच्चाई पता चल जाए तो वो और अच्छी तरीके से अपने नए पेरेंट्स के साथ रिश्ता बना पाते हैं। इतना आसान नहीं है। मुझे पता है आसान नहीं है रोहित, बहुत मुश्किल है। आई मीन, शादी वगैरह तो चलो बाद की बात है, पूजा को सच जानने का पूरा हक है, इट्स हर लाइफ। सोना, वो सच जान जाएगी फिर वो अपने असली पेरेंट्स के बारे में फाइंड आउट करना चाहेगी। हाँ तो हम उसे करने देंगे, ऑब्वियसली। और लॉ भी तो यही कहता है ना कि 18 साल के ऊपर के अडॉप्टेड बच्चों को पूरा हक है अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानने का। सोना प्लीज। बट रोहित। सोना, कुछ बातें राज रहे यही बेहतर है। कुछ दबी हुई बातें अगर बाहर आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट रोहित, सोना, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट। सोनाक्षी से क्यों झगड़ा? भाई के हम पूजा को सच नहीं बता सकते। अगर उसके असली माँ बाप का सच सामने आ गया तो सिप्पी परिवार बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। मैम, लुक, आई रियली अंडरस्टैंड कि हम लोगों से गलती हुई है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैम आपको इतनी चोट भी नहीं लगी, तो इट्स अ रिक्वेस्ट मैम, प्लीज आपने जो भी ये कंप्लेंट की है मैम, प्लीज आप ये वापस ले लीजिए मैम, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज मैम। हाउ डेयर यू, तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे चोट नहीं लगी? तुम कोई डॉक्टर हो या तुमने मुझे पागल समझा है? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना तुम दोनों को ना अंदर जेल में जाना ही होगा, पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों का तमाशा होगा। अरे गोविंद, और कितना टाइम लगेगा? हाँ, थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ। सर थोड़ी दूर और है, बस 5 मिनट पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। ओके ओके, फास्ट फास्ट। देखिए प्लीज, हम एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर आपका बहुत अच्छे से चेकअप करवा देंगे और फिर आपको घर भी छोड़ देंगे, पर प्लीज आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, प्लीज। मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। आपने कहा तो मिला दिया ना इनसे, अभी इन्हें परेशान मत कीजिए और चलिए जाइए बाहर। एक मिनट, अच्छा एक सेकंड मैम, हम लोग वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। इनफैक्ट ये काम करते हैं मैम, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, आप जितने पैसे बोलेंगे मैम मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज ये जो कंप्लेंट है मैम इसे वापस ले लीजिए, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर नरेंद्र सिप्पी। हेलो, मुझे फोन आया था कि किसी कपल से किसी प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर मेहरा ने कहा कि मैं आगे प्रेग्नेंट लेडी को इंस्पेक्ट कर लूं। ओह यस यस, आइए डॉक्टर से, प्यारी प्लीज। क्या, अरे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या, ऐसे थोड़े ना होता है। इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरी फैमिली है, तो क्या मेरी फैमिली नहीं है क्या? पता नहीं क्या समझते हैं आपको, आने दो, बताती हूँ, मैं ना बात ही नहीं करूंगी, फिर पता चलेगा, देखना।
डॉक्टर सिप्पी, आई एम रियली सॉरी। एक तो इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा, और आपके आने से एक मिनट पहले ही उस प्रेग्नेंट लेडी ने कॉम्पेंसेशन ले लिया और कंप्लेंट कैंसिल कर दी। दैट्स ओके, डॉक्टर हूँ, आना मेरा फर्ज है। एनीवे थैंक्स फॉर द टी। डॉक्टर सिप्पी स्ट्रेंज इत्तेफाक है, वो हस्बैंड वाइफ भी सिप्पी थे। अब सिप्पी सरनेम पे सिर्फ हमारा हक तो है नहीं। एनीवेज गुड नाइट। बाल बाल बच्चे रो परी, हम रोज इस तरह से तो नहीं मिल सकते ना। आई मीन कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हम सबके सामने मिल सके अच्छे से। पर कैसे कैसे? परी तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं कुछ ना कुछ सोच के रखूंगा। मॉम ने जिंदा छोड़ा तो पक्का आ जाऊंगी, बहुत गुस्से में होंगी, वो उन्हें मनाना पड़ेगा। ए, तुम सिर्फ मेरी हो, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब घर जाओ, ओके? या, गुड नाइट। बहुत हंसी आ रही है, कोई कॉमेडी चैनल हूं मैं? मुझसे बात कर रहे हो? नहीं, हवा से बात करने की आदत है मुझे। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सीधी पढ़ लो, ये शायद उल्टी ही समझ आती है। हाँ तो क्या करूं, ऐसे उल्टे इंसान के साथ शादी हुई तो उल्टी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, शायद कुछ लाइफ में भला हो जाए। लाओ अपना पजामा दो, नाना डाल देती हूँ, चेंज कर लो। कोई जरूरत नहीं है रोहित, चेंज कर लो, दिन भर से यही पहना हुआ है, ऐसे टाइट पैंट में कैसे सोओगे? सो जाऊंगा मैं, छोड़ो नाड़ा मेरा। अरे क्यों जिद कर रहे हो, ऐसे टाइट पैंट पहन के सोओगे सुबह एसिडिटी हो जाएगी, पता है? लाओ दो मिनट का काम है। बेकार घटिया डायलॉग था। अरे हाड़ मीचा, वेरी गुड, वही सोचा। सूट मुझे यहां सोना ही नहीं है। तकिया लेके बाथरूम में सोने गया है, मुझे ड्रामा क्वीन कहता है, खुद कम ड्रामेबाज है। अच्छा सोने दो बाथरूम, ठंड लगेगी खुद ही बाहर रहेगा। क्या बात है भाई, सुबह सुबह किसके साथ फोन पे बिजी हो इतना? थोड़ा हस्बैंड की तरफ भी ध्यान दो। सुंदरी दीदी का मैसेज है, कह रही है पूजा के रिश्ते के लिए जहाँ बात चल रही थी वहाँ वो लोग इंटरेस्टेड हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है नरेन, लेकिन सालों से जिस राज को हमने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है उसको अब सामने लाने का वक्त आ गया है। रोहित सुबह हो गई है, बाथरूम में कोई सोता है क्या? क्या बचपना, सुन रहे हो या नहीं? अकड़ू की गर्दन अकड़ गई, सो सैड। सिर्फ गर्दन स्टिफ हुई है, बाकी नींद कमाल किया है। अच्छा, नो डिस्टर्बेंस, नो लड़ाई पर रजाई, बड़े आराम से बाथटब में सोया। लाओ लेट मी सी, डोंट टच मी। ये क्या बचपना है। विम्मी जल्दी से आइस पैक और बेलन लेके आओ। नो बेलन ना, इस तरह तुम अपने पति को मार नहीं सकती। हाँ, यू आर अ फाइटर कॉप, फाइटर हैन। स्टॉप इट रोहित, इतना चीजें डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। नीत्रा जी का फोन आया था, मुझे शूट पे जल्दी जाना है और उससे पहले एक जर्नलिस्ट घर आ रही है, मुझे इंटरव्यू भी निपटाना है। लेट मी सी। देखो रोहित, पहले तुम वेट। हेलो। हाँ मॉम, मैं आता हूँ। मॉम ने नीचे बुलाया है, तुम तैयार हो जाओ, नीचे मिलता हूँ।